ओम शांति। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो दो चार बार मुरली पढ़ो, ज्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देता है। माना ज्यादा सोचते रहना, व्यर्थ का चिंतन चलाते रहना, वो कमजोर कर देता है जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं। क्योंकि अगर मुरली नहीं पढ़ोगे और मुरली पर चिंतन नहीं करोगे तो व्यर्थ से मुक्ति कैसे पाओगे, क्योंकि मुक्ति के लिए युक्ति मुरली में ही है। अब मुरली ही नहीं पढ़ते, मुरली ही ध्यान से नहीं सुनते तो व्यर्थ से मुक्ति कैसी होगी। और वो युक्ति आपको पढ़कर ढूंढनी है जिससे आपके व्यर्थ की मुक्ति हो सके, और वो आपको मिलेगी मुरली से। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि मुरली पर अटेंशन दो, मुरली में आपके हर प्रश्न का उत्तर है। आप सिर्फ मुरली को पढ़ने का ढंग जरूर देखो। अगर आपने ढंग से मुरली नहीं पढ़ी या नहीं सुनी तो आपके पास कोई युक्ति नहीं पहुंच पाएगी और फिर व्यर्थ से मुक्ति भी नहीं हो पाएगी। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं मुरली सुनो भी ध्यान से, मुरली पढ़ो भी ध्यान से, अगर सुनने के बाद पढ़ो भी जरूरी। हो सकता है बाबा आपको किस पॉइंट पर टच करना चाहते हैं आपकी नजर वहां पड़ जाए, क्योंकि सुनते हुए क्या है कोई ना कोई पॉइंट मिस भी हो सकता है, बुद्धि इतनी कैचिंग पावर में नहीं हो सकती। लेकिन पढ़ते हुए आप हर शब्द के साथ साथ चल सकते हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के सहयोगी है, इसलिए बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो जाएं। तो इसके लिए युक्ति मुरली में है, और वो युक्ति ढूंढो और व्यर्थ से मुक्ति पालो। तो जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों से कमजोरी आ जाती है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, और कमजोर बुद्धि सही निर्णय नहीं दे पाती, और अगर सही निर्णय नहीं मिला तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, और अगर आपको सफलता बार बार नहीं मिली तो आप विजयी रतन कैसे बनेंगे। विजयी रतन की परिभाषा यही है कि हर परिस्थिति पर जीत पाने वाले, उन्हें कहा जाता है विजयी रतन। तो ज्यादा संकल्प चला देने से कमजोरी आती है, और जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो दो चार बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ। मनन जरूर चलना चाहिए साथ में, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी, और बुद्धि में कोई पॉइंट बैठते ही बुद्धि ताकतवर हो जाती है, और ताकतवर बुद्धि सहज निर्णय दे पाती है। वरना हमें हमेशा लगता है हमारा चिंतन ऐसा है, तो सही है हमारा चिंतन, लेकिन बाप हमें क्या चिंतन दे रहे हैं उसके लिए पर चिंतन बंद करें और श्रेष्ठ चिंतन करें और मुरली पर अटेंशन दें। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ। अब शुद्ध संकल्प आपको कहां से मिलेंगे, अपने आप तो इमर्ज होने से रहे, वो मुरली में है, मुरली से निकालो। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जिस घड़ी आपका बहुत व्यर्थ चला हो तो देख लेना एक हफ्ते की मुरलियों को अच्छे से स्टडी करना, उन 7 दिन की मुरलियों के अंदर आपके व्यर्थ की मुक्ति की युक्ति है। लेकिन अगर आप उसे इग्नोर कर देते हैं तो वो आपका व्यर्थ बड़ा लंबा चलता है, और आप सोचते हो कि कोई और आएगा आपके व्यर्थ से मुक्ति दिलाने, कोई और नहीं, बाप दादा आ गए हैं, बाप दादा ने मुरली भेज दी है। आप उन मुरलियों पर स्टडी जरूर कीजिए तो व्यर्थ से आपकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि सारी युक्तियां मुरली के अंदर है। तो कोई ना कोई पॉइंट बैठ जाएगा और आपको ताकत मिलेगी, और जब ताकत मिलेगी शुद्ध संकल्प होंगे तो आपकी बुद्धि ताकतवर होने से निर्णय अच्छा करेगी, और निर्णय अच्छा करेगी तो सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान जो साथ में है। समझा? अच्छा। ओम शांति।